फ्रेंड्स, और जो इस वीडियो से पहली बार जो मेरी वीडियो इस वीडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, आज एक्चुअली मेरी जो राइड थी संडे की, मैं राइडिंग के लिए गया था पानीकोट। तो पानीकोट से जब वापसी रिटर्न घर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में एक ट्रेजडी हुई। ट्रेजडी ये था कि एक 17 फुट कंटेनर टाटा 407 कह सकते हैं उसे, या फिर 700, तो उसमें गौवंश के 3 गाय और 5 बछड़े उस गाड़ी के अंदर भर रखे थे। तो जब मैंने देखा तो वहाँ 2-4 बंदे खड़े थे, गाड़ी वाला गाड़ी रोक के राजी नहीं था। मैंने अपनी बाइक आगे लगाई गाड़ी के, और फिर उसे रुकवा कर उससे पूछा गया कि भाई क्या है ये। तो वो कहने लगा कि ये मैं दिल्ली से लेके आया हूँ और गौशाला लेके जाना है। बट जब हमने गौशाला में बात की और जो बातों को घुमा रहा था बंदा, कभी कहता कि वहाँ से ये करके आ रहा हूँ, वहाँ जाना है, कभी कुछ, उसने एक दो बात लड़कों से जो लड़के वहाँ थे उनसे गलत कही कि काटूँगा ये जो भी है। तो फिर उसके बाद हमने उसे हमने कहा कि काम करते हैं, जो हमारे पास मतलब गुड़गांव में जो बस स्टैंड के पास गौशाला है वहाँ पे ले चल। और तो वहाँ लेकर गए हम लोग गाड़ी, और वहाँ पर फिर हमने, क्योंकि मेरा फ्रेंड है एक गौरक्षा दल का अध्यक्ष है, उसको फ़ोन किया मैंने खुद ही पर्सनली, और फिर उसे बुलाया मैंने उससे, वो क्योंकि वो बसई में रहता है तो बसई के बारे में उसे पता है, उस गौशाला के बारे में पता करी कर उससे। तो एक्चुअली क्या था, वो जेन्युइन पर्सन ही था, खैर वो भी, लेकिन गलती ये थी कि उन्होंने जो कंफर्म कर रखा था कि हम 3 गाय वहाँ से दिल्ली से लेकर आ रहे हैं गौशाला के लिए, लेकिन उसमें टोटल 5 बछड़े और 3 गाय, मतलब टोटल 8 थे। तो उसके अंदर अलाउड जो है 5 गाय ला सकते हैं। तो फिर उसे फ्रेंड्स को बुलाया मैंने, फिर वो सब आकर फिर अपना जो उनका, फिर वो बसी से मेरा फ्रेंड आया, उसने सारा कुछ अपना जो भी उनको पता होता है नॉलेज, तो वो सारा कुछ उसने कंफर्म किया, क्लियर किया चीज़ों को। और फिर हम लोग, फिर उसके बाद, उसके आने के बाद मैं फिर अपने, क्योंकि यार सुबह से राइड कर रहे थे तो टाइम लग गया था ज़्यादा, तो फिर उसके बाद मैं अपने घर गया था। तो उसके बीच में एक छोटा बच्चा मिला जो मेरा सब्सक्राइबर था, वहीं पर अच्छा लगा उसे मिलकर, युवराज नाम था उसको। और जो सी वो हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा उसके बारे में। लेकिन इसके ये है कि अगर हम राइडर चाहें तो, अगर हो सकता है, ये तो चलो जेन्युइन केस था, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम राइड कर रहे होते हैं उसके बीच में हम देखते हैं, तो उसे इग्नोर ना कर कर हम चाहें तो उसमें मतलब उनकी हेल्प जितनी हो सकती है हम कर सकें तो बेटर है, चाहे वो कुछ भी हो। ये ज़रूरी इशू नहीं है कि गाय ही हो, बहुत चीज़ें हैं जो हम लोग राइड करते हैं और देखते हैं, तो जितनी हो सके अगर हम मदद करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप मेरी वीडियो देखिए। तो आज सुबह की जो मेरी राइड थी, राइड से मैं जब घर की तरफ निकल रहा था, तो यार मैंने रास्ते में देखा एक गाड़ी के अंदर कम से कम 8-10 गोवंश सारे भर रखे हैं, और बंदे से पूछने पर वो कहता है कि मैं गौशाला लेके जा रहा हूँ। तो पता नहीं गौशाला वो दूसरी गौशाला क्या था, तो भी बट हम इसे एक बार लेके आए ले भाई अपने, और आप ये देख सकते हैं। और वो इस बंदे से जब पूछा गया तो ये एक बार यूँ कहता है कि मैं इसे काटूँगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या है और सच्चाई क्या है, पहले पता करते हैं। देखिए पूरी गाड़ी भर रखी है, तो हम लोग इसे पकड़ के लेके आए गौशाला के अंदर। बहुत देखते हैं क्या सीन है, पूरे बात पता करते हैं। तो
गौशाले वाले ने यहाँ बुला के तेरे को कोई कुछ ना कह रहा, कोई कुछ ना कह रहा। अगर तू मेरे से भाई सही जगह ले जा रहा, तेरे से गलत कह रहा है, चलेंगे छोड़ दे। मेरे पे एक गलती होगी जगह, मैं दिल्ली सारा इनसे तो मेरे मुंह में जल्दी में शर्म ना लग रही तन्ने बाबूजी, कैसी गलती हो ली? और ऊपर से तू ये कह रहा मैं हिंदू हूँ इसलिए भाई साहब बोला हमने और बंदा हम करे ना भाई साहब ट्रेंड कर रहे जनाब सपना भी ना देखा कर तू तो दो साल में जाने वाला कह रहा है ये बात भाई। अभी तक एक्चुअली बसई का नाम ले रहा था तो बसई कॉल कर दिया हम लोगों ने, बसई फोन किया, आप देखते हैं कि बस ऐसे बंदा आता है क्या है सीन। तो अभी तक तो सच्चाई हमारे सामने नहीं है, हमारे को भी जो है मैं पता हमें लिखा वो सब है, तो देखते हैं, वेट करते हैं, वेट इन वॉच। वी सब्सक्राइब वुल्फ चैनल, वुल्फ चैनल। फिर मेरा एक्चुअली हमें अपने दोस्त मिले एक छोटे से जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, नाम के दोस्त युवराज, तो इनसे मुझे बहुत अच्छा लगा, नाइस स्माइल, स्वीट गाइस। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे घर की तरफ, अब चलते हैं। तो आप जो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं इसका भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो मिल जाती है। अगर हो सकता है अगर हम लोग एक्शन लेते हैं उस पर तो यार बहुत कुछ हो जाता, गलत हो जाता। तो इसीलिए यार जब तक आपको पूरी चीज़ पता ना हो ना तो आप ऐसी गलती ना करें तो बेटर है। गुस्सा सबको आता है, ऐसी चीज़ें होती हैं तो यार गुस्सा आता है, हमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस समय। लेकिन जब हमने पूरी चीज़ पूरी हर एक पन्ना पलट के जब पूरा देखा मतलब पता करा तो हमें पता लगा कि यार नहीं, अगर हम इसके साथ गलत करते हैं, जब मारते हैं कुछ करते हैं तो गलत होता होगा। क्योंकि अगला यार ड्राइवर था बेचारा, वो भी अपना काम ही कर रहा था, वहाँ से जिस बंदे ने गाय लोड की वो भी अपना मतलब गौशाला के लिए ही लेके चला था। बस ये बीच में हुआ कि जो आगे गाड़ी चल रही थी वो गाड़ी आगे निकल चुकी थी और ये पीछे रह गया था, तो फिर उसके बाद सारी बात क्लियर होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने पता भी करा अपने फ्रेंड से तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप चाहे तो यार हो सकता है बड़ी बड़ी चीज़ें जो ऐसी होती हैं तो हम लोग चाहेंगे अगर हम लोग फोकस करके रखेंगे तो यार बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं मतलब गलत हो सकती हैं उस पर हम लोग उसे रोक सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा उससे प्रयास से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग राइड करते हैं या घूमते हैं कहीं भी जाए यार, कहीं भी आप जो भी कर रहे हो आप अपना काम तो कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें रुक सकती हैं, बहुत चीज़ें हमारे देश में सुधर भी सकती हैं और बहुत कुछ हो सकता है। मतलब छोटे से छोटी चीज़ भी आगे चल कर बहुत बड़ी बड़ा इशू हो जाता है तो उसे हम रोक सकते हैं। तो दोस्त जय हिंद, मैं तो इतना ही कहूँगा, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें और ना हो सके किसी मदद करें यार। चलते फ्रेंड्स, और जो मेरी जो पानीकोट की वीडियो है वो इसके बाद मैं रोल करूँगा, तो इसको मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, तो चलते फ्रेंड्स। ओके जय हिंद जय भारत।